हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलोनी, जो राज्यसभा सांसद भी हैं उत्तराखंड से और यहाँ के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। उनसे कुछ बात करते हैं उत्तराखंड के हितों को लेकर के। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है। और आप जिस तरह से राज्य सरकार के लिए केंद्र सरकार का यूटिलाइज करके जो 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 भी इश्यूज आप ला रहे हैं, हेल्थ का हो या एजुकेशन से जुड़ा हो, टीचर्स का हो, बहुत सारे आपने काम किए हैं, लेकिन इसमें जो एक बहुत ही अनूठी पहल है अपना वोट अपने गाँव, मतलब ये एक ऐसा अभियान है जो पहली बार इस तरह से देखा जा रहा है, कभी पहले इस तरह की पहल आपने नहीं की, इसके पीछे आपका क्या दृष्टिकोण रहा होगा? देखिए, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड को बनाए जाने की मूल भावना थी पहाड़ों के विकास को लेकर, पहाड़ों के आबाद होने को लेकर, वो भावना कहीं ना कहीं खंडित होती दिख रही है। लगातार पहाड़ से पलायन हो रहा है। 2002 में जो 9 सीटें थी वो पहाड़ से हटके नीचे आ गई हैं, मैदानों में आ गई हैं। तो जो पहाड़ के विकास का सपना था, जब वही टूटने लगेगा तो हमें लगा कि इसके लिए आगे आना चाहिए। और मैंने एक अभियान शुरू किया अपने स्तर पर, अपना वोट अपने गांव। मेरा कोटद्वार में वोट था तो मैंने अपने पैतृक गांव में बनाया, और मैंने लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि वह सब लोग भी अपने अपने गांव में अपना वोट बनाएं। उत्तराखंड की तमाम विभूतियाँ जो पूरे देश भर और विश्व भर में हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वह अपना वोट अपने गाँव बनाएँ, जिससे कि जो हमारे निर्जन होते गाँव हैं, जो भूता होते गाँव हैं, वो कहीं उस पर रोक लग सके। इसके लिए एक अभियान शुरू किया है। ये एक प्रतीकात्मक अभियान है और ये एक अनंत समय तक चलने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे होने वाली है, आप इंतजार कीजिए। जितना हो सकेगा उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए पूरी शक्ति के साथ काम किया जाएगा। आपके इस अभियान को सोशल मीडिया और मुख्य मीडिया की जो मुख्य धारा है उसमें बहुत रिस्पॉन्स मिला है, तो इसका जो नेक्स्ट चरण है, जो अगला जो फेस है, वो आपके मतलब जहन में कौन सी बात है, किस योजना पर काम करना? देखिए, मैं इस पलायन वाले जो इशू पे, एक तो मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अगर पहाड़ में अगर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलेंगी तो निश्चित तौर पे लोग पहाड़ से पलायन करना थोड़ा कम करेंगे। और जहाँ तक ये अपना वोट अपने गांव की मेरा अभियान है, इसमें मैं अभी उत्तराखंड की जो बड़ी विभूतियाँ हैं जो बाहर रहती हैं, उनसे आग्रह करने वाला हूँ। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में ये अभियान इतना तेज़ होने वाला है और इसको इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग चलाने वाले हैं कि लोग उत्तराखंड की तरफ आना शुरू करेंगे, हमारे निर्जन गांव किसी तरह से आबाद हों। आपने अपनी निधि से सरकारी हॉस्पिटल्स में ICU बनवाए, आप हेल्थ में एक बड़ा काम कर रहे हैं। आपने अभी जावड़ेकर जी से मुलाकात की, अलग से एक DD अपने उत्तराखंड का होना चाहिए। इससे पहले आपने नैनीताल झील के लिए PMO से एक पहल करके उसके लिए जो झील का जो जीर्णोद्धार और वहाँ की पेयजल सप्लाई है उसके लिए हो सके, तो ये 4-5-6 काम आपने बड़े किए हैं। तो अभी अगला एक और एक दो जो जिन पर आप काम कर रहे हैं, खासतौर पर उत्तराखंड के लिए, एक बहुत महत्वपूर्ण काम आपने छोड़ दिया। समय आज़ादी के बाद से मसूरी के लिए कोई पेयजल योजना नहीं थी, तो एक प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह करके 147 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत हो गई है और उसके लिए पैसा भी जारी हो चुका है। तो इसके लिए जल्दी मेरे ख्याल टेंडर भी शुरू हो चुका है उसका। तो एक इसी प्रकार से नैनीताल झील का अस्तित्व खतरे में, रोज़ वहाँ 1.5 इंच पानी पेयजल के लिए सप्लाई किया जाता है और झील हर बार सूख जाती है, उसके कारण जो वहाँ के टूरिज्म पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों ने एक योजना उसके लिए बनाई है। खैरना में एक रिजर्वायर बनेगा 200 करोड़ की कीमत से और उस रिजर्वायर से पानी लिफ्ट होगा नैनीताल के लिए, जिसमें कि लगभग 175 करोड़ रुपये और लगेगा। तो लगभग 375 करोड़ की राशि से नैनीताल को पानी भी मिल सकेगा और जो हमारी नैनी झील जो हमारी धरोहर है जिससे कि पर्यटन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है वो बच पाएगी। तो इस तरीके के काम अभी और बहुत सारे बाकी हैं। ये 5 वर्ष मोदी जी के उत्तराखंड के लिए स्वर्णिम 5 वर्ष रहे, ये 5 वर्ष उत्तराखंड के लिए यादगार 5 वर्ष रहे और ये 5 वर्ष ऐतिहासिक 5 वर्ष रहे, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए और लोग कहते हैं कि समानांतर एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया अनिल बलोनी के लिए। नहीं देखिए, मेरे को, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। लेकिन जब अगर मैं उत्तराखंड का सांसद हूँ, अगर मैं उत्तराखंड से मैं राज्यसभा में गया हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है, आप पत्रकार हैं तो आपका दायित्व बनता है कि उत्तराखंड के लिए आप अपने क्षेत्र में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एक राज्यसभा के सदस्य के लिए और भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रमुख होने के कारण मेरी ज़्यादा एक्सेस है कि मैं सरकार से ज़्यादा चीज़ें करा सकता हूँ, इस कारण मैं और ज़्यादा शक्ति के साथ लगाऊँ। तो आप अभी ये सब इधर उधर की बात नहीं सोचने का समय, अभी तो सिर्फ उत्तराखंड के लिए करने का समय। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम 6 सांसद इकट्ठे होके केंद्र सरकार से इतने काम इस उत्तराखंड के लिए कराएंगे कि उत्तराखंड की जनता 2022 में भारतीय जनता पार्टी को और बड़े बहुमत के साथ जिताएगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है।
अनिल जी, उत्तराखंड की राज्य सरकार कैसा काम कर? उत्तराखंड की राज्य सरकार, देखिए आप अगर 2017 को फ्लैशबैक पे जाएंगे तो उत्तराखंड सबसे ज़्यादा पीड़ित था भ्रष्टाचार से। अगर कोई बात होती थी तो हरीश रावत का भ्रष्टाचार पे चर्चा होती थी। इस 2.5 साल के अंदर त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया, वो जो ग्रहण था भ्रष्टाचार का, वो जो बात थी उसको समाप्त करा के आज बच्चा बच्चा जीरो टॉलरेंस जान गया। आज उत्तराखंड में जहाँ बात होती है बोला जीरो टॉलरेंस। तो देखिए भ्रष्टाचार खत्म करके एक बहुत बड़ी देन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने दी है और उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है। आप राष्ट्रीय टीम में हैं भारतीय जनता पार्टी की, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, चूँकि राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ आप काम करते हैं, राष्ट्रीय टीम में हैं, तो बंगाल के लिए अगली स्ट्रेटेजी क्या है पार्टी? देखिए बंगाल में ये हताशा का क्षण है ममता दीदी के लिए, और हताशा में वो हिंसा कर रही हैं, हताशा में वह सभी जो लोक मान्यताएं उनको तोड़ने में लगी हैं, और उनको समझ आ चुका कि जनाधार निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अब घर घर में प्रवेश कर चुकी है। आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ बन जाए, ममता दीदी रुखसत हो जाएं, और वहाँ पर जैसा बंगाल का गौरवमय इतिहास रहा है उस प्रकार की एक सरकार बने, इस सब के लिए हम काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा, हम लोगों ने कहा जबकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बहुत तेज हवा चल रही है तो मीडिया के बंधु हम लोगों से सहमत नहीं थे, लेकिन अब सहमत हैं, और अब आप सहमत हो जाए कि आने वाले समय में ये और तेज़ी के साथ बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आराम से बनेगी। लोकसभा में तो बिल्कुल क्रांति हुई बंगाल में भाजपा की, मैंने कहा कि इससे बड़ी महाक्रांति विधानसभा के चुनाव में होने वाली है। चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको, और हमारे साथ थे अनिल बलूनी जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड के लिए निरंतर वो विकास के मुद्दों पर बात करेंगे, केंद्र सरकार से जितना विकास हो सकता है उत्तराखंड के लिए करेंगे और उत्तराखंड को भी सहयोग देंगे। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ ऋषिकेश से ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी।